कानपुर से जर्जर दीवार गिरने से हुई दो लोगों की मौत। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, मलबे में दबकर नानी और नाती की हुई मौत। खबर कानपुर से है, पुलिस ने दोनों शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है, किदवई नगर थाना क्षेत्र के कंजड़पुरवा इलाके में हुआ हादसा। हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खबर कानपुर से है, बड़ी खबर कानपुर से जर्जर दीवार गिरने से हुई दो लोगों की मौत। मलबे में दबकर नानी और नाती की हुई मौत। एक दीवार घर की बाउंड्री है, पुरानी काफी थी, वो गिरने से एक वृद्ध महिला है तकरीबन 60 वर्ष की कृष्णा और एक कुनाल बच्चा है 7 वर्ष का, उनके ऊपर गिर गई जिससे उनकी कैजुअल्टी हो गई है। दोनों को हाईलाइट के लिए रवाना किया गया है मर्चरी, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूको बैंक के बिल्डिंग में ई रिक्शा बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग। बड़ी खबर लखनऊ से, महानगर थाना क्षेत्र के बादशाह नगर चौराहे पर है बिल्डिंग, बैटरी फटने से एक आदमी गंभीर रूप से झुलसा। खबर लखनऊ से है, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूको बैंक के बिल्डिंग में ई रिक्शा बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग। बड़ी खबर लखनऊ से है, यूको बैंक की बिल्डिंग में ई रिक्शा की बैटरी में भीषण आग लगी, महानगर थाना क्षेत्र के बादशाह नगर चौराहे पर है बिल्डिंग, बैटरी फटने से एक आदमी गंभीर रूप से झुलसा है। श्रावस्ती में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। खबर श्रावस्ती से है, गिलौला लक्ष्मण नगर मार्ग के कटार मोड़ पर क्या हंगामा। आवारा पशुओं को संरक्षित न किए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश। खबर श्रावस्ती से है, चक्का जाम होने से कई घंटों तक लगा जाम रहा, गाड़ियों का भी जाम। मौके पर दो थाने की पुलिस फोर्स रही मौजूद। खबर श्रावस्ती से है, खंड विकास अधिकारी ने दिया पशुओं को संरक्षित करवाने का आश्वासन। बड़ी खबर श्रावस्ती से, थाना क्षेत्र गिलौला के कटार मोड़ के पास का है पूरा मामला। आज भारतीय किसान यूनियन आज चक्का नहीं जाम किया, जनपद श्रावस्ती में 25 तारीख से बराबर क्रम वाइज जो है जाम करने का आह्वान किया, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारे किसानों की बात को नहीं सुना, इसलिए मजबूर होकर किसान आज रोड पे उतरा और गिलौला वीडियो को ये समय दिया है 4 तारीख तक, यानी 3 तारीख शाम तक अगर हमारी बंधी गाय को गिलौली से नहीं हटाया गया तो पूरा रोड पे फिर हाईवे पे काम करेंगे। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर मेरठ से सामने आ रही है, एसएसपी ऑफिस पर दलितों का प्रदर्शन। खबर मेरठ से है, दलित युवक को घर से उठाकर ले गई पुलिस। खबर मेरठ से है, जहां पर एसएसपी ऑफिस के बाहर दलितों का प्रदर्शन, थाने में रखकर किया दलित युवक की पिटाई। पूरी खबर मेरठ से है, बिना शिकायत के घर में घुसकर उठाया दलित को। एसएसपी ऑफिस के बाहर दलितों ने प्रदर्शन किया है, थाना बहसुमा क्षेत्र का है पूरा मामला। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, एसएसपी ऑफिस पर दलितों का प्रदर्शन। खबर मेरठ से है, जहां पर एसएसपी ऑफिस पर दलितों ने प्रदर्शन किया है, दलित युवक को घर से उठाकर ले गई पुलिस, थाने में रखकर किया दलित युवक की पिटाई। थाने में रखकर किया दलित युवक की पिटाई को लेकर नाराज दलितों ने एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है, बिना शिकायत के घर में घुसकर उठाया दलित को। थाना महसूमा क्षेत्र का है पूरा मामला। थाना बहसुमा में रामराज चौकी में क्षेत्र में जो मनीराम जाटव हैं, उन्होंने एक शिकायत दी है
कि चौकी से कुछ लोग गए थे और उनको अनावश्यक रूप से उठाकर लेकर आ गए थे और चौकी पर उनके साथ सख्ती से पूछताछ की। इस संदर्भ में इनके द्वारा मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जांच करके और इसमें जो भी दोषी अगर होंगे तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीओ मवाना से जांच करवाई जा रही है। कानपुर में गंगा बैराज पर नहीं रुक रही है स्टंटबाजी। बड़ी खबर कानपुर से है, पुलिस के लाख दावे हुए फेल। बाइक से स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं युवा, खबर कानपुर से है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हो रही है फजीहत। खबर कानपुर से है जहां गंगा बैराज पे नहीं रुक रही है स्टंटबाजी। पुलिस के लाख दावे हुए फेल। स्टंटबाजी को लेकर पुलिस के लाख दावे हुए फेल। बाइक से स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं युवा, खबर कानपुर से है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की हो रही है फजीहत। यूपी एसटीएफ को मिली एक और बड़ी सफलता। अलग अलग प्रदेशों में मादक तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ के हाथ लगे दो शातिर तस्कर। यूपी एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। पकड़े गए अभियुक्त तालिब और इसरारपुर में भी जा चुके हैं जेल। पकड़े गए स्मैक की कीमत 75 लाख आकी जा रही है। बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अभियुक्तों के पास से पुलिस को बाइक और नकदी बरामद। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच सच।